गुड मॉर्निंग। जैसा कि क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके दो तरीके के टाइप होते हैं। पहला वो होता है जब ऑक्सिलरी वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई हो, जैसे कि आर यू आर स्टूडेंट, ये जो एक सेंटेंस है, ये जो वर्ड है आर, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये टाइप फर्स्ट है, इसका नियम अलग है। उसका दूसरा एग्जांपल है विल यू गो टू आगरा टुडे, इसमें विल लगा है, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इससे भी पता चलता है ये टाइप फर्स्ट है, तो इसका नियम अलग है। उसके बाद सेकेंड टाइप जो यानी दूसरा, जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस आता है, वो आता वे वाक्य जिनके आरंभ में वाई, वेयर, व्हाट, हाउ और व्हेन आए, यानी ऐसा सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में इन वर्डों का पहले ही रख दिया जाए, तो ये दूसरे तरीके के होते हैं, यानी इसमें क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पहला शब्द वाई, वेयर, हाउ, व्हेन और व्हाट से शुरुआत हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये सेकेंड टाइप है, यानी दूसरा प्रकार का है। तो अब इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम हैं वो कुछ अलग हैं, इसका अलग है, इसका अलग है। अगर इसकी बात करें या अगर पूरे सेंटेंस का मिलान की बात करें, तो इसमें जो सेड होता है उसके जहाँ पे हम आस्क लिख देते हैं, और जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लिख देते हैं। अब बात करें अगर पहले टाइप की, तो जैसे हमारे पास कोई एक सेंटेंस हो, अगर कोई सेंटेंस हो जैसे राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग टू स्कूल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर डुअल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये सेंटेंस मिला है जो डायरेक्ट है, इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। लेकिन सबसे पहले तो बात यही है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें तो सेंटेंस की पहचान ही होनी चाहिए। अगर हमें सेंटेंस की पहचान नहीं है कि ये किस टेंस का है, तो हमें तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बना ही नहीं सकते, यानी इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें देखना ये है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी कौन सी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब लगी है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस सेंटेंस का है। तो सबसे पहले तो यहाँ लगा है आर, तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो ये जो लगा है हेल्पिंग वर्ब आर, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके हिसाब से जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो चलिए इसको हम बदलते हैं। जैसा कि रूल भी पढ़ लिया, एक रूल इसमें लिख भी दिया है कि सेड के जगह पर हम आस्क्ड लिख लेते हैं, और इसकी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क से कि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई आपकी वर्ब, लेकिन ये जितना भी भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम करेंगे राम सब्जेक्ट वैसे ही लिख देते हैं, राम सेड टू के यहाँ पे हम आस्क्ड कर देंगे। उसके बाद ये पूछता है मोहन से, मोहन, अब जो खेल बचा है अब इसी में है। जैसे कि इस सेंटेंस में आर लगा है, तो हमने जो नियम पढ़ा पहले टाइप का कि अगर कोई भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हुआ है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब की माध्यम से ही हम कनेक्टेड दोनों इस रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए इफ का यूज करेंगे। तो ये शुरुआत हुआ है आर से, इसका मतलब है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इस वजह से हम यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बीच में इफ जोड़ देंगे। उसके बाद नियम है कि हम इफ जोड़ने के बाद सब्जेक्ट को देखें, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट है यू। अब चूंकि मैंने क्लास में भी बताया था और यहाँ भी जान लीजिए कि अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो उसे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू है, जब चेंज होगा मोहन से तो ये हो जाएगा ही,
और उसके बाद हम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो जैसा कि अभी भी बताया कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की दो ही हेल्पिंग वर्ब है, एक वाज और दूसरी वेयर। तो हम जानते हैं ही शी इट आई के साथ वाज का यूज होता है, तो इस वजह से ही के साथ हम वाज लिख देंगे, ही वाज। उसके बाद जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसे ही हम उस सेंटेंस को उतार देंगे, गोइंग टू स्कूल। और उसके बाद में कॉमा और इस इंट्रोगेशन मार्क को हटा कर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका ये इनडायरेक्ट तैयार हो चुका है। अगर कोई दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे माय ब्रदर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू गिव मी योर पेन विल You give me your pen? Question mark, dual inverted comma से close। फिर हमें एक sentence मिला जो कि हमें indirect में change करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये जो sentence है वो किस tense का है। तो चूंकि यहाँ से शुरुआत जो हुई है वो auxiliary verb से हुई है, last में question mark भी है, तो इससे ये पता चलता है कि जो sentence लिखा हुआ है ये interrogative का sentence है। और हमने रूल को पढ़ा हुआ है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड विल अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड डिड डू डज हैड हैव इज एम आर विल शेल विल बी शेल बी मैं कैन, अगर इन सब चीजों से शुरुआत होता है तो फर्स्ट टाइप है। यानी फर्स्ट टाइप का मतलब कॉमा और इन दोनों जगह के इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इन दोनों के बीच में कनेक्टेड इफ का यूज करते हैं। और लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट, ये पूरा है सब्जेक्ट, ये है वर्ब आपकी, और चूंकि ये पूरा सेंटेंस ये जो भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको अगर हमें बदलना है तो हम करेंगे माई, हम सब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे, माई ब्रदर। अब सेड की जहाँ पे हमने पढ़ा है कि अगर इंट्रोगेटिव का भाग है तो हम सेड की जहाँ पे आस्क्ड डिड लिख देंगे, माई ब्रदर आस्क्ड मी, मुझसे कहता है। अब चूंकि ये जो शुरुआत हुई है ये हेल्पिंग वर्ब है तो इस वजह से हम यहाँ जोड़ देंगे इफ। उसके बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट हमारा है यू, यू सेकंड पर्सन है, मी जब यू मी से चेंज होगा तो बन जाएगा आई। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर शुड होगा, सॉरी अगर सेल होगा तो शुड में बदल जाएगा, कैन होगा तो कुड में बदल जाएगा, वैसे ही अगर विल होगा तो वुड में बदल जाएगा। तो इस वजह से इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी वो जाएगी आई वुड, क्योंकि आई वुड गिव उसके बाद इस ये जो मी है ये फिर चेंज होगा तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम योर पेन। उसके बाद कॉमा इस इंट्रोगेशन मार्क को और डबल इंटेड कॉमा को हटाकर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी का दूसरे भाग के साथ। थैंक यू वेरी मच।